गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा, आई एम योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी में करवा रही हूँ एक्टिविटी। देखिए, आपके सामने मैंने शीट पे क्या दिया है, आपको कोई वर्कशीट बनाई है। सभी मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। आपको ये मात्रा करवा दी गई है, आपको अपनी मर्जी से इन मात्राओं के दो दो शब्द लिखने हैं। चलिए, हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, आ की मात्रा, आ की मात्रा के दो शब्द लिखने हैं। जैसे आम, बाल, नाक, अनार, है ना, बहुत से शब्द हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। अखबार, तलवार। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के आपको दो शब्द लिखने हैं। दिन, बिन। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के आपको दो शब्द लिखने हैं, आप कोई भी दो शब्द लिख सकते हो। पपीता, कमीज। और भी आपके बड़ी की मात्रा के कील, कोई भी शब्द हो सकते हैं जिसमें बड़ी की मात्रा आती हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को आपके दो शब्द लिखने हैं यहाँ पर आपको छोटी ऊ की मात्रा के। जैसे पुल, बुल, गुलाब, जुराब, ये आपके छोटी की छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं। आपको यहाँ पर जिनमें छोटे ऊ की मात्रा के आती है वो शब्द लिखने हैं। बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा के दो शब्द लिखने हैं। फूल, धूल, धूप, आप कोई भी लिख सकते हो जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। चलिए आगे आपकी दे रखी है यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में आप लिख सकते हो मोहन, सोहन, बोतल। ओके, अगली मात्रा आपकी है बड़े ओ की मात्रा। आओ की मात्रा में आपको दो शब्द लिखने हैं, जैसे दौलत, गौरव। और भी आपकी बुक में दे रखे हैं, आप अपने दिमाग से कोई भी दो शब्द लिखिए, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो सभी बच्चे इसे करेंगे। देख लीजिए मैंने कौन कौन सी मात्रा दी है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा और आओ की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। आपको एक शब्द दे रखा है, उसी से मिलते जुलते आपको दो शब्द लिखने हैं। देखिए पहला क्या है, रंग। रंग से मिलता जुलता आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो रंग से मिलता जुलता है, मैं आपको बता देती हूँ। भंग, अंग। ओके, आपको इसके अलावा कोई दिमाग में आता है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका कील, कापर बड़ी की मात्रा ला कील। कील से आपको मिलता जुलता शब्द लिखना है, दो शब्द लिखने हैं, तो कील से मिलता जुलता क्या हो सकता है, नील। ओके, आपके दिमाग में जो भी आता है आप लिख सकते हो, पर वो सही तुक वाला होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगला हमारा है जल। जल का मिलता जुलता बल, हल। ओके, आप इससे एक्स्ट्रा लिख सकते हो। इसके बाद आपका गांव, गांव से मिलता जुलता छांव। तो आप ये लिख सकते हो। अगला आपका दिन, दिन का गिन। बिन, पिन, आपको इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आता है आप लिख सकते हो। और लास्ट आपका है रेल। रेल का आपका मिलता जुलता मेल, बेल, जो भी आपको इससे मिलते जुलते शब्द पता चलते हैं आप उन्हें लिख सकते हो। देख लीजिए एक बार, समान तुक वाले दो दो शब्द लिखिए, रंग, कील, जल, गांव, दिन, रेल।
सभी बच्चे इस एक्टिविटी को करेंगे। ओके, थैंक यू।